सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सुजानगढ़ के पुराने बस स्टैंड से आ रही है, जहां पर कई महीनों से विवादित चल रहे बंद पड़े निर्माणाधीन शौचालय को बुधवार अलसुबह जमींदोज कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार करीब 50 लाख रुपए की लागत से स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले इस निर्माणाधीन शौचालय का निर्माण कई महीनों से रुका हुआ था। जब इस शौचालय का निर्माण हो रहा था, तब रेलवे बस स्टैंड व्यापार संघ की ओर से अनेक आंदोलन करते हुए आरोप लगाए गए थे कि इससे बस स्टैंड संकरा हो जाएगा और बस स्टैंड का सौंदर्य भी खत्म हो जाएगा। वहीं इस मामले को लेकर व्यापारियों आम लोगों ने कई बार प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च भी निकाले थे और एक बार तो रेलवे बस स्टैंड व्यापार संघ द्वारा रेलवे बस स्टैंड का बाजार भी इस शौचालय के विरोध रूप बंद रखा गया था। वहीं संघर्ष कर रहे लोगों ने इसके लिए हस्ताक्षर भी अभियान चलाया था, जिसके चलते इस शौचालय का विवाद काफ़ी बढ़ गया था। हालांकि इस मामले में जब निर्माण घुटनों तक था, तब तहसीलदार ने निरीक्षण करके इसके निर्माण कार्य पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी शौचालय का निर्माण जारी रहा। उसके बाद चूरू जिला कलेक्टर ने भी इस शौचालय का निरीक्षण किया था और कई महीनों से इस शौचालय का निर्माण फिर बंद पड़ा था। आपको बता दें, 13 फरवरी 2019 को हुई नगर परिषद की साधारण सभा में यह निर्णय लिया गया था, जिसके बारे में सभापति सिकंदर अली खिलजी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया था कि जन विरोध के चलते इस शौचालय का स्थान बदले जाने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि बुधवार को अलसुबह करीब 4:15 बजे से इस विवादित निर्माण कार्य जो शौचालय बंद पड़ा था तोड़कर जमींदोज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 2 JCB मशीन 1 LNT मशीन से इस ढांचे को तोड़ दिया गया है और करीब 8-10 ट्रैक्टर्स की सहायता से मलबा भी रातों रात हटाए जाने का कार्य तीव्र गति से किया गया, ताकि दिन में किसी प्रकार का यातायात बाधित नहीं हो और आम जनता को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। तो बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। शौचालय के लिए गवर्नमेंट की तरफ से हमें 5 शौचालय मिले थे और हमने हमारा दो एक जगह तो काम चल रहा है, एक जगह पे जन आक्रोश को और कलेक्टर और एसडीएम साहब ने उन्होंने रुका दिया था कभी ये यहाँ पे सही नहीं है। उसको देखते हुए हमारी बोर्ड ने फैसला किया कि भी उसको अन्यत्र जगह बनाया जाए।